हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि कंप्यूटर जीके का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो अभी तक हम लोग 10 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 11वां टेस्ट है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे टेस्ट या परीक्षा तभी देते हैं ना आप लोग, जब आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाती है। तो आप पहले कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट देखिए, जिससे आपको अपनी क्षमता का भी पता चलेगा और पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, और हमारी तरफ से भी आपका कंप्यूटर सामान्य ज्ञान बहुत ही सरल शब्दों में कवर किया गया है। तो कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से आपकी जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें आपका 15 चैप्टर ख़त्म किए गए, और प्लस मॉक टेस्ट, अगर ये दोनों आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। आप सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, फिर चाहे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में आए, फिर चाहे वो लिखित रूप में हो। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चंस देखते हैं। उस डिवाइस को क्या कहते हैं, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, तो इसे कहते हैं वायरलेस, यानी कि इसमें वायर का कोई काम नहीं होता है, वायरलेस। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपका बी। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, कार्यालय ऑफिस लैंड जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कॉर्पोरेट के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। बैन, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, तो इसमें क्या होगा डी। याद रखिए, इस तरह की जो भी आपके शॉर्ट फॉर्म होती हैं ये अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो उन लेक्चरों में हम लोगों ने एक स्पेशल आपका लेक्चर शॉर्ट फॉर्म, उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है, तो उन्हें जाकर भी देख लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। नियमों का एक सेट है, नियमों का एक सेट है, प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है। क्वेश्चन नंबर तीन में आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। चार, टर्मिनल क्या है, टर्मिनल क्या है वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, क्या होता है टर्मिनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर चार में भी आपका बी होगा, चार में क्या होगा बी। क्वेश्चन है हमारा पांच, क्या है, कंप्यूटर में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेज होते हैं जो डेटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्ट होते हैं, तो पांच में आपका नेटवर्क हुआ। कंप्यूटर नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेज होते हैं जो डेटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं, तो पांच में क्या होगा आपका ए, क्वेश्चन नंबर पांच में आपका ए होगा। ठीक है, फिर हमारा छठवां क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका बी, मॉडेम का क्या होगा। सिक्स में आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सात क्वेश्चन, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदेशीय कड़ियां हैं, तो ये आपकी मैश। साथ में क्या होगा डी, मैश। क्वेश्चन है हमारा आठवां, क्या है, लैन का किसका लघु रूप है, लैन किसका लघु रूप है, लोकल एरिया नेटवर्क का।
फिर से बता देता हूँ सर, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अच्छे से कवर कर लेने शॉर्ट फॉर्म को, और ना पूछे जाते हो फिर भी आपको इतना दुर्ड मालूम होना चाहिए नॉलेज के लिए कि कहीं लैन लिखा जाता है, कहीं वैन, तो इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, डी, नौ क्वेश्चन। पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, नेटवर्क, ठीक है? डी ऑप्शन सही होगा आपका। 10, एक सेंट्रल कंप्यूटर जो कंप्यूटर से पीसी वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों के समूह संग्रह को होल्ड करता है, सर्वर। 10 में क्या होगा, डी। 11, क्या है, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, नेटवर्क, सर्वर। 11 में आपका डी। 12, एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र, सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर को टिपिकली कनेक्ट करता है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। 12 में आपका ए। 13, लैन से जुड़े कंप्यूटर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन और या फिर पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर। तो इसमें क्या होगा 13 में, बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14, निम्न में से किसका संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से है, तो इसमें आपका लैन। 14 में क्या होगा आपका, ए, ठीक है? क्वेश्चन हमारा 15, क्या है क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, पेंटर्स, फ्रेंटर्स, क्या होगा 15 में, ए। क्वेश्चन है हमारा 16, उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है, तो 16 में आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा, लैन। 16 में सी। 17, नेटवर्क में ब्रिज का कार्य है, नेटवर्क में ब्रिज का कार्य है, क्या कार्य है, दो या अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, 17 में आपका बी। क्वेश्चन है 18, पूर्णता अंतर संयोजित नेटवर्क सन स्थिति के लिए एक अन्य नाम है, क्या है, मैश, 18 में आपका ए। 18 में क्या होगा, ए। 19, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था कहलाती है, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपकी 19 में होगा आपका टोपोलॉजी, 19 में ए। 20, क्या 20, हब नेटवर्क से संबंधित है, स्टार नेटवर्क से संबंधित है, हब नेटवर्क से, स्टार नेटवर्क से संबंधित है, ठीक है? 20 में आपका सी। 21, OSI की किस परत में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, एप्लीकेशन लेयर में, 21 में आपका ए होगा, एप्लीकेशन लेयर।
क्वेश्चन है हमारा 22। निम्न में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो याद रखना, ये है आपका लैन। 22 में क्या होगा आपका? ए। अगला है हमारा क्वेश्चन 23। सूचना शेयर करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटरों से बनता है नेटवर्क। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटरों से नेटवर्क बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ए होगा, ठीक है। 24। सर्वर्स कंप्यूटर हैं जो से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें नेटवर्क होगा। 24 में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। 25। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटरिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, नेटवर्क। 25 में क्या होगा? ए, ठीक है। 26 है हमारा क्वेश्चन, क्या है? टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें आपका नेटवर्क, नेटवर्क सर्वर। 26 में आपका सी है। फिर है आपका 27। क्या है 26 के बाद 27? टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जा सकते हैं। 27 में आपका सी। फिर आपका 28। P2P एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है डिस्ट्रीब्यूटेड। 28 में क्या होगा आपका? बी। 28 में बी। फिर आपका 29। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिज का क्या होगा इसमें? बी। 29 में आपका बी। 30 है आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर और फोन के बीच की भिन्नता का मिलान करने वाली डिवाइस कौन सी है? मॉडेम। क्या है? मॉडेम। 30 में क्या होगा? ई। 31। किसी नेटवर्क का ब्रांड विथ है, बैंडविथ क्या है? डेटा ट्रांसफर रेट। 31 में आपका ए होगा। 32। ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल्स डेटा भेजने के लिए किया जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग। 32 में क्या होगा आपका? ई, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 33। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो यह आपका हाफ डुप्लेक्स। 33 में आपका बी होगा। 33 में क्या होगा? बी। 34 क्वेश्चन है हमारा, क्या है 34? बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग। 34 में आपका क्या होगा? बी। 34 में बी। 35। निम्नांकित में से कौन समान समूह का नहीं है?
एप्पल रॉक क्या होगा इसमें? बी 35 में आपका बी क्वेश्चन है हमारा अगला 36। हॉप डुप्लेक्स है संचार की एक विधि। 36 में आपका ए 37 ओ एस आई का प्रयोग किया जाता है। ओ एस आई का प्रयोग किया जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए। 37 में आपका ए। क्वेश्चन है हमारा 38। राउटर को कहते हैं नेटवर्क डिवाइस। 38 में आपका ई। 39 दो आसमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? गेटवे। 39 में आपका सी। 40 दो नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का कार्य करती है नेटवर्क लेयर। 40 में आपका ए। 40 में ए ऑप्शन सही है। 41 टेलीफोन लाइनों में प्रयुक्त होने वाला नेटवर्क है। टेलीफोन लाइनों में प्रयुक्त होने वाला नेटवर्क है बैन वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। 41 में ए। तो ये था आपका 11वां टेस्ट। ठीक है मॉक टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 12वां आपका टेस्ट देखेंगे। ठीक है।